हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स। मेरे ख्याल से आप सबको सेल्स टैक्स का आइडिया तो है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये चैप्टर डील करता है व्हेन देयर इज अ सेल्स एंड देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स, सो इट कैन बी इजिली नोन एज सेल्स टैक्स। सवाल ये कि इसमें वर्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स है। एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स टैक्सेस। एक तो होता है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। इसमें तो क्या होता है कि जो लोकल टैक्सेस हैं वो लगते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान देन इस पे राजस्थान वैट लगेगा, हरियाणा में हरियाणा वैट लगेगा, पंजाब में पंजाब वैट लगेगा एंड सो ऑन। लेकिन जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज एन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सेल का मतलब हो गया जब गुड्स की डिलीवरी जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी, तो उसको हम बोल देते हैं इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी कि जब माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो हो गया ये है इंटर स्टेट सेल और इस पर लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल है, जबकि जैसे जो वैट मैंने अभी पहले भी जैसा बताया कि जो वैट है वो तो हर स्टेट का अलग अलग है, लेकिन जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है ये पूरा जो है एक बार में यूनिफॉर्मली पूरी कंट्री में जो है वो एप्लीकेबल है। इसके बारे में जो हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा सेक्शन 3 से। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 3, इसमें एक्चुअली दो तरह की इंटरस्टेट सेल्स कवर है। एक है सेक्शन 3 क्लॉज ए में जो मैं अभी बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं कवर करूंगा इसी वीडियो में सेक्शन 3 क्लॉज बी की सेल्स। सबसे पहले मैं ले रहा हूं सेक्शन 3 क्लॉज ए। ये कहते हैं वेयर द सेल ओकेजंस द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वेयर द सेल, सेल मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओकेजंस मींस नेसेसिटेट्स, ओकेजंस मींस रिक्वायर्स, यानी जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की वजह से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हो और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, तब जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज पंजाब में लुधियाना से एक ऑर्डर आया दिल्ली के किसी सेलर को, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए दिल्ली के सेलर ने गुड्स को मूव किया फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना, यानी कि दिल्ली से माल पंजाब गया फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। इन दिस सिचुएशन जो टैक्स लगेगा वो लगेगा इंटर स्टेट सेल का, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। आई होप इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यानी जब माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्स उस पर लगेगा। अब इसमें मैं सबसे पहले जो है आपको कुछ और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा कि जहां तक रिक्वायरमेंट की सवाल है कि गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, दस रिक्वायरमेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, मतलब ये कुछ जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो बोले, अगर एड्रेस दिया है दूसरे स्टेट का तो इम्प्लॉयड ही है कि भाई वो दूसरे स्टेट में डिलीवर होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि जो एग्रीमेंट है, अभी मैंने आपको बात कही कि इंटर स्टेट सेल तब मानी जाएगी व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हिच रिक्वायर्स की जो है उसको दूसरे स्टेट के अंदर जाना है। सो यहां पर मैं ये पॉइंट भी कह रहा हूं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ना होकर एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदे ने ऑर्डर किया और उसने बोला कि भाई आप माल जो है वो हमारी स्टेट में लाओ, मैं पहले इसको चेक करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ माल सही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा और अगर मुझे लगेगा कि सही नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो दैट वे बेसिकली क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया। मान लेते हैं कि उस एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से सेलर ने माल दूसरे स्टेट में भेज दिया, वहां पर इंस्पेक्शन होने के बाद बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बेसिकली ये वो सिचुएशन हो गई जो कि एग्रीमेंट टू सेल लेटर ऑन मर्ज हो गई इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस सिचुएशन में भी सीएसटी लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेशक वो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं था, एग्रीमेंट टू सेल था, लेकिन अल्टीमेटली तो सेल बनी गया ना, तो इसलिए इस पर भी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। तीसरा पॉइंट लेते हैं, ये एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, अगर गुड्स की मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट से शुरू हो और दूसरी स्टेट से क्रॉस करती हुई फाइनली उसी स्टेट में वापस पहुंच जाए जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो इसको लोकल सेल मानेंगे। अब मैं दूसरी स्टेट्स का एग्जांपल तो नहीं ले पाऊंगा, बेसिकली आई एम लोकेटेड एट दिल्ली, तो मैं आपको यहां का एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे दिल्ली के एक तरफ गुड़गांव पड़ता है, एक तरफ सोनीपत पड़ता है। अब मान लेते हैं गुड़गांव से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई और वो दिल्ली क्रॉस करती हुई सोनीपत पहुंची। बोथ द सोनीपत एंड गुड़गांव सिटीज आर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, सो इट विल बी लोकल सेल ऑफ हरियाणा, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हुई जिस सिटी से, आई मीन जिस स्टेट की सिटी से, उसी स्टेट की दूसरी सिटी में वो फिनिश हो रही है, बेशक वो दिल्ली स्टेट को क्रॉस करके गई।
तो इस सिचुएशन में हम इसको इंटरस्टेट सेल नहीं मानेंगे और इसको हम लोकल सेल मानेंगे ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं अगली स्लाइड। हाँ, इसमें यही एग्जाम्पल, इसमें जो मैंने एग्जाम्पल आपको जो है वो गुड़गांव और सोनीपत करके दिया, असाइनमेंट में जो आपको इश्यू किए गए हैं उसमें वही एग्जाम्पल जो है वो फरीदाबाद और अंबाला करके दिया गया है। लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि बायर और सेलर सेम स्टेट में भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी। अब जैसे माना मैं दिल्ली में हूं, रोहिणी में, सपोज मैं किसी बंदे को जो करोल बाग में है दिल्ली में ऑर्डर करूं कि भैया ये मेरे को इतना इतना सामान चाहिए, मेरी एक फैक्ट्री है हरियाणा में या राजस्थान में पंजाब में, आप वहां पर माल डिलीवर कराओ। सो यहां पर बायर सेलर सेम स्टेट में, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गुड्स तो मूव कर रहे हैं ना दूसरे स्टेट में, तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक इंटर स्टेट सेल्स। इसका रिवर्स एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि बायर दूसरी स्टेट में है लेकिन गुड्स सेम स्टेट में मूव कर रहे हैं, तो उसको फिर इंटरस्टेट सेल नहीं मानेंगे, उसको लोकल सेल मानेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी दूसरे सिटी में है, किसी दूसरे शहर में, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, वहां से उसने एक दिल्ली के बंदे को ऑर्डर प्लेस किया। सपोज दिल्ली में एक जगह है जनकपुरी, वहां पर उसने एक ऑर्डर प्लेस किया और वहां से उसने डिलीवरी करनी है, सपोज दूसरी जगह हम कोई भी ले लेते हैं, मयूर विहार दिल्ली में। अब वो जनकपुरी से मयूर विहार की अंदर जो है गुड्स की डिलीवरी हुई, तो यहां पर क्या है, बायर बेशक दूसरी स्टेट में है लेकिन डिलीवरी तो सेम स्टेट में हो रही है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सीएसटी तभी लगेगा जब गुड्स फिजिकली मूव करें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ये बात मैं आपको बाद में भी रिपीट कर दूंगा, भूलना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, कि जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है ये वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है जहां से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है ये उस स्टेट में लगता है जहां से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है। यानी अगर गुड्स की मूवमेंट दिल्ली से स्टार्ट हो रही है तो फिर वो कहीं पे भी जाए पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली गवर्नमेंट हैज ए राइट टू कलेक्ट सीएसटी। यस, अब ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट सीएसटी, यस एक्चुअली सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है वो लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसके ऊपर जो टैक्स कलेक्शन का राइट है वो राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही रहता है। अल्टीमेटली वही स्टेट इसको कलेक्ट करती है और अपने पास रिटेन भी करती है। चलिए आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब मैं ले रहा हूं इसके अंदर कि दैट सेल कैन बी इंटरस्टेट सेल इवन इफ द बायर टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट इफ इज रिक्वायर्ड टू टेक द गुड्स आउटसाइड द स्टेट। बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या होगा, जैसे इमेजिन कीजिए कि कोई डीलरशिप है, सपोज मान लेते हैं दिल्ली की कोई कंपनी है, उसने ऑल ओवर इंडिया डीलर्स बनाए हुए हैं। अब सपोज मान लेते हैं नागपुर महाराष्ट्र का कोई डीलर है, अब वो क्या करेगा, नागपुर महाराष्ट्र का बंदा वो आएगा दिल्ली में, क्योंकि नेचुरली हो सकता है कंपनी ने कह रखा हो कि भाई हमारे हेड ऑफिस में आप आइए, पेमेंट दीजिए, डिलीवरी लेके अपनी स्टेट में ले जाके माल को बेच दीजिए जहां की आपको डीलरशिप सिटी की दी हुई है। अब वो नागपुर का बंदा, इन माय एग्जांपल, सपोज ही कम्स टू दिल्ली हेड ऑफिस, उसने माल लिया, डिलीवरी ली, लेकिन नाउ ही इज बाउंड टू टेक दोज गुड्स टू हिज स्टेट। ही इज बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब ही इज बाउंड टू टेक दोज गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू हिज सिटी नागपुर। तो इस सिचुएशन में चाहे उसने डिलीवरी दिल्ली में ली है, एक तरह से जो सेलर और बायर हैं वो प्रैक्टिकली एक ही सिटी में हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो बायर है वो ही इज बाउंड कि वो उस डिलीवरी को जो है वो बेसिकली दूसरे स्टेट में लेके जाए, तो इसलिए इस सिचुएशन में इसको जो है वो इस तरह से माना जाएगा कि इट इज लाइक इंटर स्टेट सेल। तो आई होप कि मैंने आपको सेक्शन 3 क्लॉज ए समझाया है अभी कि ये किस तरह से जो है आपका काम करेगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 3 क्लॉज बी। सेक्शन 3 क्लॉज बी कहता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, कि व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आई रिपीट, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट मींस द गुड्स आर सोल्ड एंड द गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, द गुड्स आर सोल्ड एंड द गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। अरे बस उनमें अगर गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट पे सेल हो रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन, अगर गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट सेल हो रहे हैं यानी गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर एंड द गुड्स आर बीइंग सोल्ड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो उसको भी इंटरस्टेट सेल मानते हैं। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं माल यहां से दूसरी स्टेट जा रहा है, से फॉर एग्जाम्पल द सेलर इज लोकेटेड एट दिल्ली और माल जो है उसका जयपुर जा रहा है। अब उसने माल मान लेते हैं रेलवे में बुक करा दिया, तो एक तो ये समझना यहां पे होगा कि मैंने आपको कहा ये सेल होती है ड्यूरिंग मूवमेंट। अब जहां तक सवाल है ड्यूरिंग मूवमेंट का, तो मूवमेंट का सवाल ये है कि जैसे ही मैंने रेलवे में माल डिलीवर किया, चाहे वो ट्रेन चली या नहीं चली, एक तरह से हमारे पर्पस के लिए, सेल्स टैक्स पर्पस के लिए, सीएसटी पर्पस के लिए मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब वो माल जो है वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और अल्टीमेटली जब तक वो जयपुर से
जयपुर पहुंचने के बाद भी एक तरह से मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, जब तक माल को जयपुर में छुड़ा नहीं लिया जाता तब तक यही मान के चला जाएगा कि इट इज अ मूवमेंट ओनली, इट इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए मूवमेंट ओनली, इसका और कोई इसका मतलब जो है वो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। बात आ रही समझ में? सो इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए मूवमेंट, यानी कि जब गुड्स को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज हमने रेलवे से माल भेजा है दिल्ली से जयपुर, तो जब हमने रेलवे को हैंडओवर कर दिया वहां से लेके जब तक हम रेलवे से माल को जयपुर में छुड़ा नहीं लेते तब तक मूवमेंट कंटिन्यूड है। और इस दौरान अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे रेलवे के केस में इट विल बी रेलवे रिसीट, जब तक हम वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और बंदे के नाम करने देते तब तक ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू मानी जाएगी। और मूवमेंट अगर कंटिन्यू है और ड्यूरिंग मूवमेंट अगर हमने माल को बेचा है बाय ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, देन इसको भी इंटर स्टेट सेल माना जाएगा। जहां तक सवाल यह है कि टैक्स दिल्ली में लगेगा या राजस्थान में, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सीएसटी वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी जहां से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई है। सीएसटी वो गवर्नमेंट चार्ज करेगी जहां से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई। सिंपल लॉजिकल कंसेप्ट है, उसी के हिसाब से सारी कहानी चल रही है। यानी अगर गुड्स दिल्ली से राजस्थान गए हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि दिल्ली से जयपुर गए हैं, तो क्योंकि मूवमेंट दिल्ली से स्टार्ट हुई है तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज ए राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन दिस मनी। सिंपल, एकदम क्लियर लॉजिकल कंसेप्ट है। आगे पढ़ेंगे जी। नाउ इसमें तो यही लिखा है कि अ सेल और परचेज शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड इफ सेल और परचेज इज इफेक्टेड By transfer of document of title to the goods during their movement from one state to another. I think ये तो बहुत सिंपल है, इसमें मेरे को कुछ समझाने का नहीं है, मैंने बोली दिया इस पे तो। Now document of title क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं, वो document जिसको दिखाकर आपको delivery मिलेगी। जैसे railway में railway receipt, अगर truck से माल गया है तो lorry receipt, अगर जो है sea से यानी ship से माल गया है तो bill of lading, और अगर by air गया है तो airway bill. These are the various documents of title which you have to remember. ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि ये समझा रहा है कि जो गुड्स की मूवमेंट है वो तब शुरू मानी जाएगी जब हमने डिलीवरी दी और तब खत्म मानी जाएगी जब हमने डिलीवरी वापस ले ली। तो मेरे ख्याल से ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 3 कि हमारी जो मूवमेंट है उसकी कमेंसमेंट और टर्मिनेशन क्या है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो यहां पर इतना ही समझाया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है वो आप जो है कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिफोर टेकिंग द फिजिकल डिलीवरी। अगर आपने फिजिकल डिलीवरी अभी नहीं ली है तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दैट्स इट, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 4। यानी कि अगर हम देखें तो यहां तक हमने सेक्शन 3 पढ़ लिया। अब मैं इसको सेक्शन 4 स्टार्ट करने से पहले अगर रिपीट करूं तो बेसिकली जो सेक्शन 3 मैंने आपको पढ़ाया, मैं उसको रिपीट कर दूं। सेक्शन 3 में जो क्लॉज ए है उसने ये कहा है कि अगर गुड्स की मूवमेंट अगर गुड्स की फिजिकल मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो सेक्शन 3 क्लॉज ए में इंटर स्टेट सेल है। दूसरा, अगर गुड्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट अगर कोई ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है तो उसको भी जो है वो क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सेल माना जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप मुझे एसएमएस या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट लेंगे सेक्शन 4। हाँ, सेल आउटसाइड द स्टेट, मैं पहले बोलूंगा आप ध्यान से सुनिएगा, असाइनमेंट आपको दिया है, पावर पॉइंट्स में भी रिटर्न मटेरियल आपको नजर आ ही रहा है। सेक्शन 4 में दो सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 कहता है इफ सेल is inside a particular state, it is deemed to take place outside all other states. मैं फिर से बोलता हूं, if sale is taking place in a particular state, it will be deemed to take place outside all other states. बिल्कुल सिंपल बनाया। अगर सेल रूल्स के हिसाब से किसी पर्टिकुलर स्टेट की है तो वो सभी स्टेट्स की नहीं मानी जाएगी, ताकि ये इसलिए डिफाइन कर दिया ताकि झगड़ा ना हो, कल को मल्टीपल स्टेट्स ये ना बोलें कि भाई ये हमारा है। कल को अगर इस पे झगड़ा हो भी जाए, चलो मान लूं कि अगर कई स्टेट्स बोलें कि ये सेल हमारी है, तो भी फैसला होने के बाद एटलीस्ट जो डीलर है उस पे बर्डन ना पड़े, क्योंकि अगर एक बार ये तय हो गया कि सेल किस स्टेट की है तो इट विल बी डीम टू टेक प्लेस आउटसाइड ऑल अदर स्टेट्स। ये बात जो है वो लिखी हुई है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में, मैं इसको पढ़ भी रहा हूं आपके लिए। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3, when a sale or purchase of goods is determined as per subsection 2 to take place inside a state, such sale or purchase shall be deemed to have taken place outside all other states.
यानी अगर सेल को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की मान लिया गया है तो यही मान के चला जाएगा कि वो सभी अदर स्टेट्स के बाहर है, बात खत्म। अब सवाल ये कि किस स्टेट की माना जाएगा, तो ये उस स्टेट की सेल मानी जाती है वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ देयर अप्रोप्रिएशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर माल आज की तारीख में है तो माल जिस समय सेल हो रही है वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बात समझ पा रहे हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूं। ये कह रहा है कि अ सेल और परचेज शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस इनसाइड अ स्टेट इफ द गुड्स आर विद इन अ स्टेट, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं यानी कि जो डिफाइंड है भाई ये हमारी डील हुई है, तो एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, तो यानी कि जिस समय हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय गुड्स जिस स्टेट में हैं ये सेल उस स्टेट की मानी जाएगी एंड आउटसाइड ऑल अदर स्टेट्स। लेकिन अगर फ्यूचर गुड्स हैं, अनसर्टेन गुड्स हैं, तो जब वो गुड्स रेडी हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए और उनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, उस स्टेट की ये सेल मानी जाएगी। सिंपल रूल है, ठीक है। मैं वापस आपको उन्हीं असाइनमेंट्स पे लेके चल रहा हूं। तो इसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा ये है कि इनकेस ऑफ अनसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स एट द टाइम ऑफ देयर अप्रोप्रिएशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस समय फ्यूचर गुड्स रेडी हो जाएंगे उनको एक पर्टिकुलर बायर के ऑर्डर के हिसाब से अप्रोप्रिएट कर लिया जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट की ये सेल मानी जाएगी। इट इज सो सिंपल। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है सेक्शन 4 का कि अगर सेल को एक पर्टिकुलर स्टेट की माना गया है तो सभी स्टेट्स के बाहर माना जाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त में सेल एक ही स्टेट की मानी जाएगी, और वो किस स्टेट की मानी जाएगी, सब सेक्शन 2 बोलता है कि जिस समय जहां पर भी गुड्स हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस स्टेट की मानी जाएगी, और अगर फ्यूचर गुड्स हैं, अनअसर्टेन गुड्स हैं, तो जब वो रेडी हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट कर लिए जाएंगे, सेग्रीगेट कर लिए जाएंगे, कैलकुलेट या मेजर कर लिए जाएंगे, तो उस वक्त वो जिस भी स्टेट में हमने ऐसा किया उस स्टेट की वो सेल मानी जाएगी। इट इज सो सिंपल। चलिए, हाँ, इसमें एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने अटैच किया, बड़ा लॉजिकल सा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने मेरे को ऑर्डर दिया कि भाई हमारे को 10,000 आइटम डिलीवर करो। अब सपोज उसमें से 2,000 आइटम तो मेरे पास दिल्ली में है, लेकिन बाकी की 8,000 आइटम मेरे रोहतक हरियाणा के गोडाउन में है। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऑब्वियसली 2,000 की जो मेरी सेल होगी वो मानी जाएगी इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, और 8,000 की आइटम जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रोहतक हरियाणा में है वो मानी जाएगी सेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि एक ही ऑर्डर में अगर हमारे पास मल्टीपल सिटीज के अंदर, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर अगर हमने सामान रखा हुआ है, आ रही बात समझ में, तो वो सेल जो है वो हर स्टेट की अलग अलग मानी जाएगी। This is what section 4 says. Last में section 4 is subject to the provisions of section 3. Obviously, मैंने section 4 के through आपको यह समझाया कि sale किस state की मानी जाएगी, लेकिन अगर उसमें कोई interstate movement of goods है तो फिर तो वो section 3 के हिसाब से interstate sale मानी जाएगी ना। Section 4 ये नहीं समझा रहा मैं कि local sale क्या है और interstate sale क्या है। वो interstate sale क्या है वो तो section 3 ने बता दिया, और local sale तो वही है जिसमें goods की movement within same state रह जाती है। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको थोड़े देर पहले भी एग्जांपल लिया था कि जनकपुरी से मयूर विहार, दोनों इलाके दिल्ली में, अगर गुड्स जनकपुरी से मयूर विहार एक सिटी के एक इलाके से, एक स्टेट के एक इलाके से दूसरे स्टेट में जा रही है तो सेम माना जाएगा। जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं राजस्थान के अंदर जयपुर से उदयपुर माल जा रहा है, बोथ द सिटीज आर इन द सेम स्टेट, तो जयपुर से उदयपुर अगर माल जाएगा तो इट्स ए लोकल सेल, इंटरस्टेट सेल है ही नहीं। सो सेक्शन 4 में यही बात बताई गई है कि सेक्शन 4 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 3। दैट मीन्स अगर कोई सेल बाय द वे इंटरस्टेट सेल है तो उसको उसी हिसाब से माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे सेक्शन 5। जहां तक सेक्शन 5 का सवाल है, सेक्शन 5 जो है वो एक्सपोर्ट सेल्स को डील करता है। सेक्शन 5 जो है वो एक्सपोर्ट सेल्स को डील करता है, साथ में इंपोर्ट सेल्स को भी डील करता है। एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो कस्टम ड्यूटी लगती है, सेल्स टैक्स नहीं लगता। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगती है, सेल्स टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। तो अभी जो शुरू में ये जो असाइनमेंट के अंदर भी आप पढ़ रहे होंगे या इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख रहे होंगे, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस आ रहा है। एक्चुअली इसमें यही बताया जा रहा है कि स्टेट्स जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स लगा ही नहीं सकती हैं। इससे अगली स्लाइड में ये भी बताया जा रहा है कि क्या एक्सपोर्ट है क्या इंपोर्ट है, इसको डिफाइन करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। एक्चुअली इसी पावर को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन की सीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 जो है वो क्रिएट किया हुआ है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्सपोर्ट सेल क्या होती है। देखिए, जो स्टूडेंट सेक्शन 3 क्लॉज ए की इंटरस्टेट सेल और सेक्शन 3 क्लॉज बी की इंटरस्टेट सेल समझ चुके हैं, यानी दोनों तरह की इंटरस्टेट सेल समझ चुके हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट सेल समझना कोई मुश्किल नहीं है। एक्सपोर्ट भी ऐसे होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
सेल एंड परचेज की वजह से गुड्स इंडिया से किसी और फॉरेन कंट्री में जाएं किसी फॉरेन बायर के लिए, तो एक्सपोर्ट सेल है। मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी फॉरेन बायर के ऑर्डर पर इंडियन गुड्स को फॉरेन कंट्री में डिलीवर करे तो ये एक्सपोर्ट सेल है। हाँ, अगर वो खुद आकर, जैसे फॉरेन टूरिस्ट यहां आ गया माल खरीद के ले गया, तो वो दैट इज लोकल सेल। मैं ये कह रहा हूं कि सेलर ऑर्डर के हिसाब से खुद एक्सपोर्ट कर रहा माल, मतलब इट इज हिज ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, देन इट इज एक्सपोर्ट सेल। और दूसरा, अगर माल ड्यूरिंग मूवमेंट बिकता है बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो भी एक्सपोर्ट सेल है। इसमें कंसेप्ट होता है कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अगर कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्रॉस हो गया है, कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्रॉस हो गया मींस हमने जो गुड्स थे वो एक तरह से शिपिंग कंपनी को दे दिए हैं, एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी है, हमारी तरफ से माल एक्सपोर्ट हो जाएगा, हमने कुछ नहीं करना, हम जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। तो एज सून एज द गुड्स आर एक तरह से क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, दे आर परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट, फॉर आर पर्पज द कमेंसमेंट द मूवमेंट हैज स्टार्टेड। और एक बार जब वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो उसके बाद तो ठीक है, आप कभी भी उस माल को बेच सकते हैं। यहां से लेके जब तक वो फॉरेन कंट्री में डिलीवरी नहीं ली जाती, मूवमेंट कंटिन्यूड है। अगर आप रास्ते में इसका जो है बिल ऑफ लेडिंग, या अगर बाय एयर गया है तो एयरवे बिल, जो भी मतलब आई मीन टू से इसका जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको बेच के आप डेफिनेटली जो है ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट पर फिर कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। हाँ, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है ध्यान से, पेनल्टीमेट सेल। मैं इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज मैं एक्सपोर्टर हूं, फॉरेन कंट्री से मुझे एक ऑर्डर आया कि भाई आप जो है 50,000 आइटम, ये पर्टिकुलर आइटम मैन्युफैक्चर करके ये स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें डिलीवर कर दो। मेरे पास और सपोज मान के चलो वो आइटम नहीं है। अब मैंने क्या किया कि हरियाणा के एक मैन्युफैक्चरर को कॉन्टेक्ट किया कि भाई इस तरह से मुझे एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, आप इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्पेसिफिकली मेरे को आइटम बना के दे दो, मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। उस बंदे ने आइटम मेरी ऑर्डर के हिसाब से बनाई, मेरे पास ऑर्डर कहां से आया, फॉरेन कंट्री से, एक फॉरेन बायर का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैंने किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर को या डीलर को कॉन्टेक्ट किया और उसने माल बना के मेरे को दे दिया, अब मैंने इसको उठा के एक्सपोर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल फॉर एक्सपोर्ट। इसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, ये भी एग्जेम्प्ट है। पेनल्टीमेट वर्ड का मतलब होता है सेकंड लास्ट। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते वक्त भी बताता हूं कि अगर मान लेते हैं आप जैसे T20 मैच होते हैं 20 ओवर के, तो जो 19th ओवर है 19वां ओवर उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट ओवर। उसी तरह से जो हमारी एक्सपोर्ट सेल है वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक्सपोर्टर तो मैं हूं ना, सपोज जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो जो मेरे से पहले वाली ट्रांजेक्शन हुई यानी मैंने जिससे माल खरीद के एक्सपोर्ट किया, इवन वो ट्रांजेक्शन भी डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी और टैक्स फ्री होगी। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो मैं डील करूंगा वो पहले ऑर्डर आ जाना चाहिए, उसके बाद करूंगा, और जो माल वहां से बन के आया स्पेशली वो मुझे एक्सपोर्ट करना है। छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हैं वो ये कि भाई मैं एक्सपोर्टर हूं तो मैं इस बात को सर्टिफाई कर दूंगा उस डीलर को, एक फॉर्म एच होता है, इसमें एक फॉर्म का सिस्टम होता है जैसे, तो मैंने अपनी सेल्स टैक्स अथॉरिटी से एक फॉर्म लिया होगा जिसमें मैं उसको सर्टिफाई कर दूंगा कि हाँ जी मैंने आपसे जो माल लिया था इतना इतना वो फलाना फलाना डेट को आपका सारा एक्सपोर्ट हो गया है, और उसके बेसिस पर उसको एक्सेम्प्शन मिल जाएगी। दैट इज द रूल। आई होप इजी है। हाँ, ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इसमें मेनली फॉर्म एच का ही पॉइंट जो है वो मेन है, इसके अंदर और तो कुछ है नहीं। फॉर्म एच का पॉइंट जो आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज द मेन पॉइंट, वो मैंने आपको समझाई दिया कि एक्सपोर्टर फॉर्म एच देगा दूसरी अथॉरिटी को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, ये सिंपल इतनी बात कर रहा है कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, सिंपल लैंग्वेज में तेल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हवाई जहाज को, एयरलाइन कंपनी को जो ऑयल सप्लाई किया जाता है, फ्यूल सप्लाई किया जाता है जिससे वो लोग फ्लाई करते हैं, अगर किसी इंडियन कैरियर को यानी इंडियन एयरलाइन कंपनी को दिया जाए इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जब वो बाहर जा रही हो, तो वो टैक्स फ्री है, उसको भी एक्सपोर्ट मान लिया ना। बट लेकिन ऐसा हर एयरलाइन कंपनी के लिए नहीं है, सिर्फ जो इसमें डिफाइंड कंपनीज हैं, मैं इसको एक बार आगे देख लेता हूं कौन कौन सी इसमें। हाँ, ये चार कंपनीज इसमें दी गई हैं, इसमें एयर इंडिया है आपकी समझे नहीं, इसमें इंडियन एयरलाइंस है, इसमें जेट एयरवेज है, और इसमें स्पाइस जेट है। ये तीन चार कंपनियों के नाम इन्होंने लिखे हुए हैं। अगर ये कंपनियां जो है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए फ्यूल खरीदेंगे ATF, तो ये इनको टैक्स फ्री मिल जाएगा। बाकी किसी फॉरेन कंपनी को अगर ऑयल दिया जाएगा तो वो टैक्सेबल रहेगा। सिंपल है, आगे बढ़ रहा हूं। इंपोर्ट सेल, ये भी एकदम सिंपल ही है, इसमें भी कोई खास कलाकारी नहीं है। जैसे एक्सपोर्ट था उसका उल्टा इंपोर्ट है। अगर आपने किसी को ऑर्डर दिया है बाहर के किसी सप्लायर को, और उसने आपके ऑर्डर के हिसाब से माल आपको दिया और आपने माल इंपोर्ट कर लिया, मीन्स आपने माल एक तरह से कस्टम से छुड़वा लिया है, तो दैट इज इंपोर्ट सेल, दैट इज टैक्स फ्री। दूसरी बात यह हो सकती है कि आप डायरेक्ट इंपोर्टर नहीं हो, जिसने इंपोर्ट किया था उसने क्या किया कि कस्टम पे माल छुड़वाने से पहले, यानी बिफोर क्रॉसिंग द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया, आई रिपीट द वर्ड्स, बिफोर क्रॉसिंग द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया,
ठीक है, उसने ये लिखा भी हुआ यहां पे, बिफोर द गुड्स हैव क्रॉस्ड द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यानी कि माल कस्टम से छुड़वाने से पहले, सपोज आपको दे दिया और आपने माल छुड़वाया तो ये भी हुई सेल ड्यूरिंग मूवमेंट, ये इंपोर्ट भी टैक्स फ्री है। मैंने आपको पहले बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है। तो जैसे इंटरस्टेट सेल दो तरह की है, एक तो ऑर्डर के हिसाब से, एक ड्यूरिंग मूवमेंट, दो तरह की एक्सपोर्ट सेल है, एक एज पर ऑर्डर, एक ड्यूरिंग मूवमेंट। ऐसे दो तरह की इंपोर्ट सेल है, एक एज पर ऑर्डर, एक ड्यूरिंग मूवमेंट, दोनों तरह की इंपोर्ट सेल्स टैक्स फ्री है। ठीक है, चलिए जी, एक दो कॉन्सेप्ट्स और रह गए हैं इस वीडियो में, उसको भी मैं फटाफट कवर कर देता हूं। एक तो एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका माल स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जैसे सपोज मैं दिल्ली में हेड ऑफिस हूं और मेरी एक ब्रांच है मान लेते हैं अंबाला में, अब मैंने दिल्ली से अंबाला माल भेजा है, मेरी ब्रांच है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट ए सेल, इस पर टैक्स लगेगा नहीं, स्टॉक ट्रांसफर है। बट इसमें भी ना एक फॉर्म नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे एक्सपोर्टर फॉर्म एस देते हैं ना, तो ऐसे जो ब्रांच है वो इश्यू करती है फॉर्म एफ, ये छोटा सा छुपा हुआ है इसमें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये ब्रांच जो है वो फॉर्म एफ इश्यू करेगी हेड ऑफिस को। इससे प्रूव होगा कि हाँ जी ये माल जो है वो चला गया है और ये बाय वे ऑफ स्टॉक ट्रांसफर गया है और इस पर फिर कोई टैक्स नहीं है। आने वाली स्लाइड्स में आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने फॉर्म एफ नहीं जमा कराया या फॉर्म एफ को अगर मान लेते हैं उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांगे, आपने प्रूव नहीं किया, तो फिर सेल्स टैक्स अथॉरिटीज यही मान के चलेंगे कि आप उनको जो है वो चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट सिचुएशन वो आप पे टैक्स लगाएंगे। चलिए अब हम लास्ट स्टेजेस पे इस वीडियो की, इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि सीएसटी का रेट कितना है। तो सीएसटी का रेट जो है वो बेसिकली है 2%, अगर आप एक वर्ड में मेरे से पूछे तो। लेकिन आप कहें सर अगर पूरा डिटेल में समझा दो, तो अगर जो बाइंग डीलर है वो रजिस्टर्ड डीलर हो, जैसे माना मैं दिल्ली से माल बेच रहा हूं अंबाला में, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अंबाला में ब्रांच नहीं है, अंबाला में बायर है, तो वो बंदा जो है अंबाला में अगर रजिस्टर्ड डीलर है और वो मुझे फॉर्म सी देगा, अब ये एक और फॉर्म आ गया, एक्चुअली फॉर्म्स का बड़ा चक्कर है सीएसटी में, धीरे धीरे जब आप एक दो बार सुनेंगे, असाइनमेंट में पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो जब रजिस्टर्ड डीलर वहां से मुझे ये सर्टिफाई कर देगा कि वो रजिस्टर्ड डीलर है और उसका जो प्रोसेस है वो है फॉर्म सी, तो जब फॉर्म सी मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे लूंगा टैक्स 2% का। बट ये 2% भी मैक्सिमम है, या तो मैं लूंगा लोकल रेट या 2% विच एवर इज लो, यानी अगर बाय द वे किसी कोई ऐसी आइटम है पर्टिकुलर जिसपे अगर माना लोकल रेट 2% से भी कम है, से 1% है, तो मैं उससे सीएसटी 1% लूंगा, लेकिन मैक्सिमम 2% जो है उसमें लगेगा। और अगर जो दूसरा वाला बंदा है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जो है मैं जितना लोकल रेट लगना है उतना ही सीएसटी पे लगा दूंगा, दैट इज द सिस्टम। ठीक है, लो जी खत्म हो गई आपकी पहली स्लाइड। बहुत सारे बच्चे आई नो वेट कर रहे थे कि सीएसटी की वीडियोस आए, तो आई एम नाउ रेडी टू प्रिपेयर इट ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस फॉर यू। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इसमें मैंने आपके 3 सेक्शंस कवर किए हैं, रादर ज्यादा ही कर दिए। सेक्शन 3 इंटरस्टेट सेल समझाया है, सेक्शन 4 कौन सी सेल किस स्टेट की मानी जाएगी, कब किसके अंदर मानी जाएगी, किसके बाहर, सेक्शन 4, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है समझाया सेक्शन 5 में। इसके अलावा एक सेक्शन 6A कवर किया है, स्टॉक ट्रांसफर टैक्स फ्री है फॉर्म एफ आ जाए तो, और आपको रेट ऑफ सीएसटी भी बताया है। बेसिकली जो रेट ऑफ सीएसटी है वो है 2% और लोकल टैक्स रेट विच एवर इज लेस, लेकिन अगर बंदा रजिस्टर्ड डीलर ना हो जो खरीद रहा है तो जो सीएसटी है वो लोकल रेट के इक्वल होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी फोन या SMS कर सकते हैं। थैंक यू।